तो है गाइस, हम लोग निकले हैं बाज़ार, यही राजगीर का मार्केट, और थोड़ा सा घूमना भी है एक जगह। तो पहले थोड़ा सा वाइज़र मेरा ऑफ नहीं हो, मतलब लग नहीं रहा, तो ये वाइज़र सही कर लें पहले। अभी लग गया सही से। तो यही निकले थे राजगीर मार्केट, और थोड़ा सा घूमने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं, बोलता है यहाँ का व्यू मतलब अच्छा है, पहाड़ का मतलब बहुत सारा यहाँ पे व्यू है। तो थोड़ा सा जाके देखते हैं यहाँ का खूबसूरती आगे कैसा रहता है। और ये हमारे साथ एमटी राजा चला रहे हैं उसको। तो यहाँ का मार्केट जो है ना, वो एक्चुअली ज़्यादा बड़ा नहीं है, एवरेज है जितना मार्केट होना चाहिए। बस जिस हिसाब से यहाँ का, यहाँ पे लोग आते हैं, पर्यटक स्थल इसको बोला जाता है, उस हिसाब से यहाँ का मार्केट नहीं है, डेवलप नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों कर रहा है। चलते हैं और कुछ व्यू देखते हैं आप लोगों को क्या दिखा सकते हैं आज। थोड़ा बहुत रिएक्शन मिलता है एक्चुअली, पीछे भी एक कैमरा माउंट किया हो तो उसकी वजह से हो सकता है, या जो भी हो, लेकिन वो रिएक्शन मिलता है। यहाँ पे कुछ पुलिस वाले भी थे, मैं एक्सलेटर दिया तो वो लोग देखने लगे, मुझे तो लग रहा था कहीं पकड़ ना ले, लेकिन कुछ बोले नहीं। वो देखते हैं आगे क्या होता है। लाउड थोड़ा सा ज़्यादा करता है मार्केट में, तो इस वजह से थोड़ा सा डर भी लगता है कि कहीं पकड़ ना ले, क्योंकि मार्केट छोटा है तो लाउड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ये एमटी में भी लग गया ना वो एग्जॉस्ट, तो वो मतलब कुछ ज़्यादा ही लाउड करवा रहे हैं आज, पता नहीं क्यों। उनको पता है कि मतलब पकड़ा गए तो चलान कटना फिक्स है, और वो भी दूसरे जगह पे हैं तो यहाँ का कोई पहचान कुछ है नहीं। और ये रहा राजगीर का बस स्टैंड, यहाँ से मतलब आपको कहीं भी जाने के लिए बस मिल जाता है बिहार में, कहीं भी जाने के लिए, मतलब नवादा हो गया, पटना हो गया, तो ये सब जगह जाने के लिए आपको बस यहाँ पर मिल जाता है। यही है बस स्टैंड, इधर से हम लोग चल रहे हैं आगे। वो क्या बोलते हैं, रोपवे वगैरह सब कुछ लगा हुआ है इधर ही। फिलहाल तो रोड पूरा खाली है, मतलब रिएक्शन क्या ही आपको मिलेगा, बट ये देख रहे हो थोड़ा बहुत मिल जाता है। यहाँ भीड़ लगा हुआ है, एक चीज़ पता है, मतलब देवघर जो जाते हैं ना बाबा भोलेनाथ के पास, वो लोग यहाँ पे आके पहले, एक कुंड है सीता कुंड राजगीर में, तो वहाँ पे आके पहले वो लोग, तो मतलब वहाँ पे ना आके नहाते हैं ये लोग। और उसके बाद ये लोग देख रहे हो, ये लोग यहीं से मतलब नहा के सीता कुंड में, उसके बाद ही जाते हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आज जब आया तो मुझे लगा कि यहाँ पे इतना, मतलब ये देवघर जाने वाले लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो मैं ये पता किया तो पता चला कि नहीं, यहाँ पे पहले लोग आके नहाते हैं उसके बाद जाते हैं इधर के लोग, लेकिन बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। एक्चुअली मैं जहाँ पे रुका हुआ था वहाँ भी कुछ ज़्यादा ही लोग थे, और इस वजह से जो है यहाँ पे ना ही अच्छा खाना है और ना ही मतलब सही से रहने का व्यवस्था है, क्योंकि भीड़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं ना, मतलब ना ही आपको सही से खाना मिल पाएगा और ना ही आप सही जगह रह पाओगे, क्योंकि पहले से ही सारा जगह फुल रहता है। यही है वो सीता कुंड जो मैं बोल रहा था। ये रास्ता ऊपर जाता है सीता कुंड के लिए यहाँ से। भीड़ बहुत ज़्यादा है,
मतलब पूछो मत कितना भीड़ है यहाँ पे। बस ये सावन तक, ये यहाँ पे भी मेला लगा हुआ रहता है, सावन तक नहाने वालों का मेला लगा हुआ रहता है। मतलब देवघर में सोचो क्या हाल होगा, मतलब कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे तो भीड़ होगा, जब यहाँ पे इतना है। रोड अच्छा है, मतलब मेरे तरफ का तो रोड इतना सही है ही नहीं, तो क्या ही आप मतलब बाइक स्पीड चलाओगे, लेकिन इधर का रोड सही है। एक चीज़ तो अच्छा है कि रोड सही है, मतलब स्पीड भगाने में भी मज़ा आता है। इधर से ही वो जू सफारी के लिए जाता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा और पहले आगे जाते हैं, जहाँ पे रोपवे वाले पे, ना रोपवे वाले पे पहले आगे से थोड़ा सा लेफ्ट लेके है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर होगा, तो चलते हैं। वहाँ पे भी थोड़ा रहता है क्राउड, वहाँ पे भी रहता है। आज MTV बहुत लाउड कर रहा है एग्जॉस्ट की वजह से, और थोड़ा सा मतलब उस गाड़ी का खूबसूरती भी बढ़ गया। एक्चुअली गंदा है क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो रहा था, और मैं जब कल आ रहा था ना, तो मैं पूरा मतलब सारा कपड़ा बैग वैग सब कुछ गीला हो गया है, तो बस फिर भी एक सेट लाया था तो वो बचा हुआ था, तो वही पहना हूँ। इधर से ये रोप भी जाता है लेफ्ट, और पता नहीं राइट कहाँ जाता, राइट कहीं भी जाता हो, मुझे क्या, मुझे तो बस रोपवे के लिए जाना है। और अंशु एक्चुअली एग्ज़ाम देने गया, तो अंशु है ही नहीं हम लोगों के बीच, वो एग्ज़ाम देने के लिए गया है और वो शाम में आएगा। पता है यहाँ पे अभी भी मतलब घोड़ा गाड़ी चल रहा है, टमटम। देख रहे हो, और टमटम पे बैठने का ना मतलब एक अलग ही मज़ा आता है। टमटम पे बैठो आप, अलग फील लेता है टमटम, पूरा स्लो स्लो और टुकधुम 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 चलते रहता है। बहुत सारा घोड़ा गाड़ी, बहुत सारा। और यहाँ तक ही मतलब आप ये घोड़ा गाड़ी से आ सकते हो या गाड़ी से आ सकते हो। बाइक आगे जाके पार्किंग है, तो बाइक आगे जाके पार्क करेंगे। पता नहीं, भीड़ तो बहुत होगा यार। टिकट मिलता है उस पे, रोपवे पे चढ़ने का टिकट मिलता है, पता नहीं टिकट भी मिल पाएगा या नहीं। बस यहीं पे गाड़ी को पार्क करना। तो एक्चुअली हुआ यूँ कि अभी पार्क नहीं करना यहाँ पे बाइक, अंशु का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो अंशु को लेके आते हैं पहले, और उसके बाद चारों रहेंगे तो फिर ठीक रहेगा ना। पहले अंशु को जा रहा है लाने, पहले अंशु को ले आते हैं, उसके बाद जो भी होगा फ़ोटो या घूमने का तो उसके साथ ही करेंगे। यहाँ से एक्चुअली 4-5 किलोमीटर होगा अंशु का कॉलेज, तो
चलते हैं, अंशु को पहले ले आते हैं। बस स्टैंड पहुंच गए, यहाँ से थोड़ा दूर और है, लगभग 1-2 किलोमीटर तो होगा अप्रोक्स। मतलब क्या ही यार खतरनाक वाला रिएक्शन है, एग्जॉस्ट। बस बस स्टैंड पहुंच गए, अब यहाँ से कॉलेज। इस वाले रास्ता से तो मुझे देखा हुआ भी नहीं है, और राजा पीछे रह गया, उसको देखा हुआ था, देखा हुआ तो है नहीं, लेकिन एक कहीं आगे से जाके राइट टर्न होता है, वहीं पे टर्न होना है। ये ले, ये भी पहुंच ही गए। मतलब एग्जॉस्ट लगने के बाद ना यार एम्प्टी एम्प्टी लगता है, लगता है कि हाँ नेकेड बाइक ऐसा ही होना चाहिए। यहीं कहीं से राइट लेना है, कहाँ से लेना है ये नहीं पता है, यहीं यही राइट लेना है, यही वाला। ये एग्जाम देके मतलब थैंक यू। मतलब यस बाय बाय। मतलब ये लोग स्कूल के बच्चे जो मिलते हैं ना यार, इनका रिएक्शन एक अलग ही होता है। बस अंशु को यहाँ से बैठा लिए, पहले रूम जा रहे हैं, थोड़ा खाना वाना कुछ खा लेंगे, उसके बाद फिर निकलते हैं। देखते हैं यार, घूमने ही है तो मतलब घूमते हैं, देखते हैं कैसा रहता है राजगीर का थोड़ा ये एग्जॉस्ट का आवाज़ का रिएक्शन। इधर ही रूम लिए थे, एक होटल था उसी में रूम मिला था खाली। रूम तो एक्चुअली मिल ही नहीं रहा है ना, वो भीड़ के वजह से रूम ही नहीं मिल रहा है, तो इधर ही एक मिल गया, कैसे कैसे पता नहीं यार, बस इधर ही है अपना रूम पे चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं कुछ देर, उसके बाद फिर निकला जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चों का स्कूल से छुट्टी।